हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको रिव्यू करके बताएंगे होंडा साइन एसपी का, जो कि आप देख पा रहे हैं अभी चल रही है। और इस गाड़ी के बारे में आपको 5-6 बातें बताना चाहता हूँ, जो कि मैक्सिमम लोग जानना चाहते हैं इस गाड़ी को लेने से पहले कि गाड़ी लेने लायक है और लेंगे तो हमको क्या फ़ायदा होगा, क्या घाटा होगा। तो मैं 5-6 ऐसी बातें बताऊँगा जिससे आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए कि गाड़ी लेनी चाहिए। तो इस गाड़ी के मैं परफॉर्मेंस से ही शुरू करता हूँ बात करना। अगर आप अभी 100 किसी गाड़ी चला रहे हैं, मैं स्लो करके बोलूँ या आवाज़ अच्छी आ रही है, चलो थोड़ा सा स्लो करके बोलता हूँ, मैं फिर आगे बढ़ा चेंज करूँगा। तो इस गाड़ी में और कोई दूसरी गाड़ी में क्या फ़र्क होता है, मतलब 100 cc गाड़ी से और इसमें जब मैं जब स्वैप करके चलाता हूँ, कभी 100 cc कभी 125 cc, इस गाड़ी को मैं चला चुका हूँ 2000 किलोमीटर से प्लस चला चुका हूँ, मतलब मेरा चलाया हुआ 14-15 किलोमीटर होगा, बाकी अदर कस्टमर चलाया। तो इस गाड़ी में मुझे खास क्या लगता है, जब मैं 100 cc अपना गाड़ी चलाता हूँ तो मैं 40 से 50 की स्पीड में, मैं आवाज़ बहुत हो रहा होगा, तो 40 से 50 की स्पीड में मैं इसमें मतलब अपना 100 cc बाइक में मैं सिक्योरिटी मोड में आ जाता हूँ, मैं मतलब अलर्ट मोड में आ जाता हूँ कि मुझे दोनों हाथ पकड़ के चलाना है गाड़ी को और मुझे ब्रेक अच्छे से लगाना है, अगर कोई मतलब चीज़ होता है तो कोई सामने अचानक आ जाता है तो मतलब मुझे थोड़ा सा और अलर्ट रहना पड़ता है, जाने का मतलब ये है। लेकिन जब मैं इस गाड़ी को चलाता हूँ तो 50 का स्पीड, इसका 30 का स्पीड, इसका 50 का स्पीड सेम अलर्ट मोड में चलता है, इसको मैं 50 का स्पीड में डराना शुरू करता हूँ, मतलब जब लॉन्ग राइड्स पे आता हूँ तो आवाज़ अच्छा नहीं जा रहा होगा, मैं थोड़ा स्लो करता हूँ। तो जब मैं इसको चलाता हूँ तो मैं 60 की स्पीड, 70 की स्पीड में मैं इसको रगड़ते रहता हूँ, तो 60 के 70 की स्पीड, जब 70 जब मैं टच करता हूँ तो मेरा माइलेज 50 हो जाता है, लेकिन जब मैं 60 को ही टच किए रहता हूँ, 60 से ऊपर ज़्यादा नहीं जाता हूँ, 60-65 इस तरह से, तो मुझे 55% माइलेज मिल जाता है। होंडा साइन एसपी सीबीएसपी, ये 5 गियर वाली गाड़ी है, आपको पता होगा इससे 5 गियर ट्रांसमिशन है, इसका 4th गियर में ही आपका गाड़ी 50-60 का स्पीड में चला जाता है, लेकिन आप 5 गियर पर चलाइएगा तो आपको माइलेज ज़्यादा मिलेगा। तो ये इसका एक सबसे बड़ा प्रो है जो मुझे लगता है। इसके बाद जो इसका प्रो लगता है मुझे, इसका सीट काफ़ी चौड़ा है, जो कि आपको एक झलक में दिखा होगा, सीट जो है काफ़ी चौड़ा है इसका, तो जब आप बैठते हैं तो जो आपका जो पीछे का फेस है वो पूरा आपका जो है वो बैठ जाता है गाड़ी पे, मतलब आप जब बैठते हैं तो मतलब अभी आप देख पा रहे हो पूरा मैं सीधी तरह से सीधा बैठा हुआ हूँ और गाड़ी लगातार 50-30 मिनट चल रहा हूँ मैं आराम से बात, तो 50 के स्पीड में फील नहीं देती है गाड़ी, 50-60 के स्पीड में मुझे किसी तरह का कोई सिक्योरिटी एडजस्टमेंट, मतलब उसको कहते हैं अलर्ट मोड में मुझे रहने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका ब्रेकिंग बहुत ही पावरफुल है। दूसरा चीज़ है कि इसका जो इको स्पीड है, जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, इको स्पीड इसका 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक, मतलब आप 100 cc में जाइएगा तो आपको 30 से 50 होता है, 125 सीवी साइन ही, मतलब होंडा का ही गाड़ी जो सीवी साइन है 4 गियर वाला, उसका इको स्पीड 50 तक है। लेकिन जैसे ही इस गाड़ी में आप आते हैं, यहाँ पे आपको 5 गियर मिलता है और इसका इको स्पीड आपको 60 का मिलता है, 60 का इको स्पीड मिलता है। बस इसमें खास बात क्या आपको देखने मिलता है, 4th गियर तक लगता है कि हाँ इंजन में आवाज है या फिर इसका साइलेंसर से कुछ आवाज़ आ रहा है, लेकिन जैसे ही 5th गियर पे अप टू मारो और 60 की स्पीड में चलता है, गाड़ी का आवाज़ एकदम न्यूट्रल म्यूट हो जाता है और साइलेंसर का आवाज़ म्यूट हो जाता है, मतलब सिर्फ आप चल रहे हैं तो आपको जो सामने से जो हवा आ रही है, विंड नॉइस सिर्फ वो सुनाई देगा, और जो अगल बगल गाड़ी चला, मतलब आपका गाड़ी का इंजन का आवाज़ आपको बहुत कम, मिनिमम आप हेलमेट उतार के चलाइएगा तो आपको थोड़ा सुनाई भी देगा, लेकिन हेलमेट लगा के आपको सुनाई नहीं देगा। तो ये सब इसका खास बात है। तो देख ही रहे होंगे आपके, मैं 50 का स्पीड आराम से आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस 1 लाख किलोमीटर का है, तो ये लिए मतलब बेनिफिट हो सकता है कि मैं 50-60-70 स्पीड मेरे लिए कोई बड़ा बात नहीं है, तो मेरा और मैं मतलब 250-300 किलोमीटर 400 किलोमीटर का लंबा राइड कर चुका हूँ, और इस गाड़ी पर हाँ अच्छा याद आया, इस गाड़ी पर भी मैंने 300 किलोमीटर का राइड किया है एक दिन में, थकान के मामले में या फिर पीछे जो बैक पेन होता है, बैक पेन मतलब पीठ का भी और पिछवाड़ा का भी, दोनों का ही बैक पेन अगर बात किया जाए तो इसमें आपको नहीं मिलता है, हाँ थोड़ा 50-40 किलोमीटर एक और खड़ा हो जाए गाड़ी को भी आराम मिल जाता है, आपको भी आराम मिल जाता है, हीटनेस इंजन हीटनेस, इंजन हीट इसका अगर पुराना वाला 4 गियर वाला के बारे में बात कीजिएगा तो इसका इंजन हीटनेस कम है, तो 4 गियर वाले गाड़ी जो सीवी
साइन है, उसके मुकाबले इसकी इसमें आपको इंजन जो हीट होता है वो कम हीट होता है। क्योंकि मैंने नोटिस किया है, मैंने अभी मैं गाड़ी जो है अभी 70 किलोमीटर पार कर चुकी है, चला चुका हूँ। मैं वैसे पटना से हार्ड नॉर्थ किया था, हार्ड नॉर्थ से फिर से पटना जा रहा हूँ। तो अभी आज का मेरा राइड लगा हुआ वही 130-140 किलोमीटर का होगा। तो इस गाड़ी को ले कर चलने में मुझे क्या फील होता है कि मैं एक 150 सीसी का गाड़ी चला रहा हूँ, ये फील मुझे ये गाड़ी आराम से दे सकती है। मतलब अगर आप 150 सीसी पे लेना चाह रहे हैं, आपके पास पैसा कम हो रहा है, 150 सीसी का दाम लगभग आपको 96,000 के आसपास आ जाता है, और 1,00,000 रुपया आपको आ जाता है ABS मॉडल का, और नॉर्मल मॉडल का आपको 98,000 कुछ आ जाता है, मुझे याद नहीं है एक्चुअल क्लियर। इसका गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपका मतलब सड़ी लगा के आपको 80,000 के आसपास पड़ता है। तो आप उसका फील ले सकते हैं, प्लस एक्सप्रेस में आपको 44 से 44 का माइलेज मिलेगा, और इसमें आपको 50 से 55 के बीच का माइलेज मिलता है लोकल में, 50 और हाईवे पर 55, वो भी 60 का एवरेज मेंटेन करने का मिलता है। चलो ये एक बड़ा बात मुझे लगता है। तो एक 125 सीसी गाड़ी, क्योंकि इसके टक्कर में शायद 5 गियर के साथ हमारे पास आई थी वो क्या नाम है, इग्निशन आई थी, और एक और हीरो को लॉन्च किया था इग्निशन, और होंडा का इग्निशन, हीरो का इग्निशन, और एक इग्नाइटर आया था हीरो का, उस समय 5 गियर था, वो सब लगभग यही इंजन था, और वो गाड़ी बंद हो गई, जो कि बहुत अफसोस है मुझे कि वो सब गाड़ी बहुत कमाल कर जाती। उस समय लोग नहीं समझ पाए लोग, क्योंकि लोग वो 5 गियर बताओ तो लगता कि अरे साला 5 गियर चेंज करना पड़ेगा, अरे यार 5 गियर नहीं चेंज करना पड़ेगा, तेरे को स्मूथनेस ज़्यादा मिलेगा, लोग समझ नहीं पाते। तो ये खास बात मैं आपको बता रहा हूँ, 5 गियर है तो वो आपके लिए बेनिफिट है, अगर अपने 125 सीसी गाड़ी में 5 गियर है तो वो आपके लिए एक बेनिफिट है, वो आपको अच्छा माइलेज आउटपुट देगी, आपका वाइब्रेशन लेवल कम होगा, आपका इंजन का लाइफ ज़्यादा होगा, आपका मतलब किलोमीटर वाइज, तो ये सब चीज़ आपको मिल जाता है देखने को। तो इसमें अब 3 चीज़ और रह गया जो कि मैं बता देता हूँ। इसमें एक शिकायत थी कि यहाँ पे हैंडल में जो है थोड़ा सा अगर पॉटहोल में गाड़ी झाक से भागती है लेके, या फिर रोड ब्रेकर आ जाए कुछ, तो अगर उसको झट से आप पार कीजिएगा तो टिक से ठक से आवाज आती है। तो ये मुझे भी मिला देखने को, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो गौर करता है उसी को पता चलता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को नहीं पता चलता है। और वैसे मेरी गाड़ी अक्टूबर 2018 की है, अब हो सकता है ये प्रॉब्लम आपको देखने को ना मिले, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है अब आपको देखने को ना मिले, हैंडल का जो ये प्रॉब्लम है अब शायद आपको ना मिले देखने को, और वैसे प्रॉब्लम नहीं करती है कभी कभी, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, इसमें शिकायत नहीं आया कि हैंडल का आप गोली कटोरी खुल जाए उसके कारण से, तब आप समझिए कि हैंडल में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन कोई आपका कोई फाइबर छोटा सा आवाज़ करता हो उसके लिए आप प्रॉब्लम नहीं बोल रहे। दूसरा प्रॉब्लम लोग बोल रहा था कि इसका चैन वैन जो है सीबी हॉर्नेट जैसा क्या आवाज़ करता है, सीबी हॉर्नेट में थोड़ा चैन का साउंड था और है भी शायद, तो लोग उससे थोड़ा परेशान थे। तो नहीं, इसमें चैन उनका आवाज़ नहीं है, आप अभी सुनिए यहाँ पे, तो मैं सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन चैन का आवाज़ नहीं है, तो कैसे सुनाऊँगा आपको। तो गाड़ी चलने के दौरान नहीं सुनाई देना चाहिए, बेस ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि चलने के दौरान आपको चैन का आवाज़ नहीं सुनाई देना चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे देखने को मिल जाती है, साइड मिरर काफ़ी मजबूत और काफ़ी वायरस इसका जो मतलब शीशा उसका लगा हुआ जो पोजिशन से अच्छा हुआ, तो क्योंकि मैंने अभी यूज़ किया तो मैंने बता दिया। तीसरा जो प्रॉब्लम जो बताता है लोग इसको गाड़ी को दिखाने में, मैंने रिव्यू देखा है उसमें लोगों ने बोला है कि इसका जो ये है क्या कहते हैं, इसका टायर है जो पीछे वाला वो थोड़ा पतला दिया है। तो देखिए पतला टायर का मतलब नहीं है, जब आप मतलब वैसे रोड है वो ऑफ रोडिंग में चल रहे हैं, आपको गाड़ी झटका मार के इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए। तो झटका मार के मुझे महसूस हुआ है कि इधर उधर गाड़ी मुझे फेंकती नहीं है, तो अगर नहीं फेंकती है मतलब टायर पतला है तो गाड़ी के डिज़ाइन के हिसाब से सही डिज़ाइन किया हुआ है, और उससे आपको मतलब नहीं है, आपको माइलेज मिलना चाहिए, गाड़ी का टायर मजबूत होना चाहिए, तो टायर आपको अच्छा मजबूत नहीं लाता है तो उसके हिसाब से आप ज़्यादा उसमें मत सोचिए कि आपको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। अभी मैं 50 से लगातार बोलते जा रहा हूँ, 50 की स्पीड में देख रहा हूँ, अब आप 60-70 की स्पीड में देखिए गाड़ी कैसा आपको महसूस कराती है। गाड़ी में सच में टायर पंचर हो गया लग रहा है मुझे, आपको कार के देखना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी भाग नहीं रहा है।